क्रिस्टल ऑसिलेटर में प्रयोग होता है? ऑप्शन आ सिलिकॉन क्रिस्टल, ऑप्शन बा जर्मेनियम क्रिस्टल, ऑप्शन सा क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन द पीजो इलेक्ट्री क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द पीजो इलेक्ट्री क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दो, सीआरटी का कौन सा इलेक्ट्रोड मुख्यतः स्क्रीन पर चित्र की शार्पनेस को नियंत्रित करता है? ऑप्शन आ एनोड, ऑप्शन बा कैथोड, ऑप्शन सा कंट्रोल ग्रिड, ऑप्शन द फोकसिंग सेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द फोकसिंग सेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीन, ऑसिलोस्कोप का हृदय है? ऑप्शन आ विद्युत आपूर्ति, ऑप्शन बा वर्टिकल एम्पलीफायर, ऑप्शन सा क्षैतिज एम्पलीफायर, ऑप्शन द कैथोड रे ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द कैथोड रे ट्यूब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चार, सीआरटी में डिफ्लेक्टिंग प्लेट का प्रयोग होता है? ऑप्शन आ इलेक्ट्रॉन की गति नियंत्रित करने में, ऑप्शन बा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने में, ऑप्शन सा इलेक्ट्रॉन का पथ नियंत्रित करने में, ऑप्शन द इलेक्ट्रॉन की संख्या कम करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा इलेक्ट्रॉन का पथ नियंत्रित करने में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पाँच, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वेव फॉर्म का ग्राफ रिक्त स्थान के आधार पर दर्शाता है? ऑप्शन आ करंट, ऑप्शन बा वोल्टेज, ऑप्शन सा पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन द तापमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा वोल्टेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन छः, एक रिक्त स्थान परिपथ अपनी पारदर्शी प्रकृति के कारण सिनक्रोनस परिपथ डिजाइन करने में उपयुक्त नहीं होता? ऑप्शन आ लैच, ऑप्शन बा समानांतर, ऑप्शन सा विकर्ण परिपथ, ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ लैच। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सात, एक CRO की सा टूथ वोल्टेज से अभिप्राय होता है? ऑप्शन आ सिर्फ स्वीप टाइम, ऑप्शन बा स्वीप टाइम कामा फ्लाई बैक टाइम, ऑप्शन सा फ्लाई बैक टाइम कामा स्वीप टाइम, ऑप्शन द सिर्फ फ्लाई बैक टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा स्वीप टाइम कामा फ्लाई बैक टाइम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आठ, CRO की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निर्भर करती है? ऑप्शन आ डिफ्लेक्शन वोल्टेज,
कमा प्लेट और प्लेट की लंबाई के बीच सेपरेशन पर। ऑप्शन बा सिर्फ डिफ्लेक्शन वोल्टेज पर। ऑप्शन सा सिर्फ प्लेटों के बीच सेपरेशन पर। ऑप्शन दा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ डिफ्लेक्शन वोल्टेज कमा प्लेट और प्लेट की लंबाई के बीच सेपरेशन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 परिवर्तित इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के मान को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला उपकरण होता है। ऑप्शन आ सोनार। ऑप्शन बा MRI। ऑप्शन सा मल्टीमीटर। ऑप्शन द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आ परिवर्तित इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दिशा। ऑप्शन व परिवर्तित इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान। ऑप्शन सा परिवर्तित इलेक्ट्रिक करंट का मान। ऑप्शन द बा और सा दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द बा और सा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है CRO की इंफॉर्मेशन कहाँ प्रदर्शित होती है। ऑप्शन आ प्रोटॉन रे ट्यूब की स्क्रीन पर। ऑप्शन बा न्यूट्रॉन रे ट्यूब की स्क्रीन पर। ऑप्शन सा एनोड रे ट्यूब की स्क्रीन पर। ऑप्शन द कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन 12 है CRO से अभिप्राय है। ऑप्शन आ कोट रेड ऑसिलोस्कोप। ऑप्शन बा कैटियोनिक रे ऑसिलोस्कोप। ऑप्शन सा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ऑप्शन द कोसन रे ऑसिलोस्कोप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है एक CRO में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ऑप्शन आ 3। ऑप्शन बा 4। ऑप्शन सा 2। ऑप्शन द 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ 3। अब हमारा क्वेश्चन 14 है निम्न में से कौन से कंपोनेंट CRO में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन आ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ऑप्शन बा डिफ्लेक्शन प्लेट। ऑप्शन सा इलेक्ट्रॉन गन। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
15 है। CRO टाइम बेयरिंग सिग्नल का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, सिग्नल का प्रदर्शन होता है। ऑप्शन आ वन डायमेंशनल, ऑप्शन बा टू डायमेंशनल, ऑप्शन सा थ्री डायमेंशनल, ऑप्शन दा फोर डायमेंशनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा टू डायमेंशनल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। सैद्धांतिक रूप से CRO होता है, ऑप्शन आ अमीटर, ऑप्शन बा वोल्ट मीटर, ऑप्शन सा वाट मीटर, ऑप्शन द वाट घंटा मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बा वोल्ट मीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। एक CRO में स्वीप जनरेटर का उपयोग रिक्त स्थान को उत्पन्न करने में किया जाता है। ऑप्शन आ इलेक्ट्रॉन बीम के हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए साइनोसोडल वोल्टेज। ऑप्शन बा इलेक्ट्रॉन बीम की वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए सा टूथ वोल्टेज। ऑप्शन सा इलेक्ट्रॉन बीम के वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए साइनोसोडल वोल्टेज। ऑप्शन द इलेक्ट्रॉन बीम के हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए सा टूथ वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन द इलेक्ट्रॉन बीम के हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए सा टूथ वोल्टेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। CRO का कौन सा भाग इसका हार्ट दिल कहलाता है, ऑप्शन आ CRT, ऑप्शन बा स्वीप जनरेटर, ऑप्शन सा ट्रिगर सर्किट, ऑप्शन द एम्पलीफायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन आ CRT। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।